मैं यहां आपको एक कहानी सुनाने आया हूं, एक ऐसी कहानी जिसके तीन ही अध्याय हैं और उसका एक अध्याय हम लिख चुके हैं। दूसरा जो अध्याय इसका है वो आने वाले 10 सालों में लिखा जाएगा, और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, वो बच्चे आने वाले टाइम में जिनके कंधों पर ये देश आएगा, जिस जो नीतिकार बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, एकेडमिशियन बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, वो अगले 10 साल में इसका दूसरा अध्याय लिखेंगे, और इसका जो तीसरा अध्याय है आने वाले 25 से 30 साल में लिखा जाएगा। तो चूंकि इसका हम पहला अध्याय लिख चुके हैं, तो हम आपको पहला अध्याय से ही आपको इसी पहले अध्याय को बताना चाहेंगे। समस्या बड़ी सरल है, बात बड़ी सिंपल है, देखने में आदमी भी मोटा है, इसकी अकल भी मोटी होगी, मोटी मोटी बात सोचता है, बहुत बारीक बात नहीं सोचता। मोटी सी चीज ये है समझने की कि जब हम बीमार होते हैं, खुद बीमार होते हैं, तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें डायग्नोसिस करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो क्या प्रॉब्लम है इसका पता लगाते हैं, दो एक टेस्ट भी करा लेते हैं डॉक्टर। डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर हमें एक दवा का पर्चा लिखते हैं जिसे हम प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। अच्छा, ये जो दवा का पर्चा है वही उसी से हमें दवा मिलती है, उसी अनुसार हम ट्रीटमेंट लेके ठीक होते हैं, तो ये तो सिंपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये पर्चा आदमियों के लिए उपलब्ध है वर्ल्ड वाइड, ये पर्चा जानवरों के लिए भी उपलब्ध है, वेटरनरी डॉक्टर लिखते हैं, शेर बीमार हो जाए जंगल का तो भी डॉक्टर देखता। लेकिन कमाल की बात यह है कि यह पर्चा हमारी फसलों के लिए उपलब्ध नहीं है। जब हमारी फसल बीमार होती है, जब हमारी फसल को समस्या आती है, तो उस फसल की समस्या पर डायग्नोस करके ट्रीटमेंट लिखने वाला प्रेस्क्रिप्शन मिसिंग है, और इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड, बड़े वाले कंट्रीज जहां बड़ी बड़ी कल्टीवेशन होती हैं वहां पर पूरे के पूरे कंसल्टेंट ही देखते हैं खेती को, लेकिन हमारे यहां तो बहुत छोटी छोटी होल्डिंग्स है, पूरा कंसल्टेंट तो रख नहीं सकता किसान। तो ये दवा का पर्चा एग्रीकल्चर में मिसिंग है और हम चाहते हैं कि ये पर्चा सिस्टम में आए, क्योंकि आप सोचो बेचारा किसान भी बिना पढ़ा लिखा, लगभग थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया तो एग्रीकल्चर तो नहीं जान सकता। अच्छा, वो जो दुकानदार है जिसके पास दवाइयों का ढेर रखा है जहरों का, वो आदमी भी नहीं जानता, तो कितना भारी मात्रा में अंधाधुंध जहर इस डॉक्टर की कमी की वजह से, इस प्रेस्क्रिप्शन की कमी की वजह से एनवायरमेंट में स्प्रेड हो रहा है। तो इसे रोकने का एक ही तरीका है कि प्लांट डॉक्टर सिस्टम में हो, और यह प्रयास हमने राजस्थान गवर्नमेंट में पहली बार किया। परियोजना का नाम था प्रॉप, प्रोडक्शन विद प्रोटेक्शन। परियोजना में हमने सिंपल काम किया, हमारे 6000 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर थे जो एक्सटेंशन की दूसरे काम भी करते हैं, उन्हीं को हमने एज ए प्लांट डॉक्टर ट्रेंड किया और उनको हमने वैल्यूएबल डायग्नोसिस का मटेरियल जो मैं दिखाऊंगा हमने उन्हें प्रोवाइड करा दिया। जिस जोन में जो फसलें थी उनकी जो प्रॉब्लम आती थी उनके फोटोग्राफ्स एंड ट्रीटमेंट यूनिवर्सिटी के लोगों ने तैयार किए और हमने सुपरवाइजर को दे दिए, ताकि वो दवा का एक पर्चा लिख सके, उस पर नीचे अपने दस्तखत कर सके, रेस्पॉन्सिबल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पर्चा मिल सके। ये परियोजना राजस्थान गवर्नमेंट में शुरू हो चुकी है, 6000 सेंटर से लागू है। जब इस परियोजना को मैं आप सौभाग्य से मुझे ईश्वर ने चुना होगा, मेरे कुछ साथी इन्होंने मिलकर इस परियोजना को फॉर्मुलेट किया था, बिल्ड किया था, और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको लागू किया। दिखाएं नेक्स्ट। ये हालात हैं दुनिया में एग्रीकल्चर के। हमने अपनी पृथ्वी के हैबिटेबल लैंड का 50% जो डाला, एंड ये सबसे बड़ा रिसोर्स डैमेज है वर्ल्ड का, और इस डैमेज पर बहुत कम नीतिकार बात कर पा रहे हैं। अच्छा,
इस डैमेज की कुछ कहानी मैं आपको जरा सा बताता हूं। अब बैक ले लो दो स्लाइड जो दिखाई थी वीट की। या तो हम राइस खाते हैं, वीट खाते हैं, या मेज खाते हैं, या आलू खाते हैं, ये स्टेपल क्रॉप है वर्ल्ड की जो हम खाते हैं। जरा देखिए, रिकॉर्डेड यील्ड 220 क्विंटल पर हेक्टेयर है और इंडिया का एवरेज 27 है, चाइना का एवरेज 65 है और वर्ल्ड का एवरेज 42 है। यानी हम यदि एवरेज यील्ड को इंक्रीज कर दें तो हमें बहुत कम एरिया में उतना फूड उगा सकते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्लांट डॉक्टर नहीं है तो 35-40% तो डैमेज हो रहा है इंसेक्ट से, डिजीज से, न्यूट्रिशन से, और हमारा किसान को हम उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहे, तो हमारी एवरेज यील्ड्स ये हैं जबकि पोटेंशियल यील्ड इतनी है। नेक्स्ट एक और दिखा, तीनों स्लाइड दिखा दीजिए। ये गेहूं की कहानी है, नेक्स्ट ये मक्का की कहानी है, नेक्स्ट। यानी बहुत सिंपल है कि नेचर में पॉसिबल यील्ड बहुत ज्यादा है और हम बहुत कम पैदावार ले रहे हैं। अरे मूंग में ले लीजिए, उसको हम उगाते हैं 24 क्विंटल पोटेंशियल यील्ड है, हमारी एवरेज यील्ड 4 क्विंटल है। यानी हम 6 गुना ज्यादा एरिया को जोत रहे हैं, उसमें ट्रैक्टर, उसमें खाद, उसमें बीज, उसमें पानी, तो इतनी जमीन की जरूरत ही नहीं है भाई जितनी जमीन को हमने खोद डाला। यदि हम प्रोफेशनल एग्रीकल्चर सर्विसेज को शुरू करें वर्ल्ड में तो हम इन यील्ड को इंक्रीज करके जो बचा हुआ जो लैंड है उस पर फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, उस पर और कुछ ट्रीज लगा सकते हैं और कॉमर्शियल ट्रीज लगा सकते हैं। हमें इतने बड़े एरिया में एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है, और उसकी जरूरत इसलिए है कि हमारे पास अभी भी एग्रीकल्चर में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन एग्रीकल्चर में प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश कर रहा है, एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल सर्विसेज जाएं, और उसका तरीका बहुत सिंपल है। मैं आपको थोड़ा सा यहीं ब्रीफ कर देता हूं। वर्ल्ड में लगभग 900 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, 900, इंडिया में 77। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी उनके प्रोफेसर्स तक इन प्रोफेशनल कोर्सेज को लेके जाएं, क्योंकि स्टूडेंट तक तो अप्रोच नहीं है हमारा, प्रोफेसर तक हम चले जाते हैं, उनके मेल वगैरह मिल जाते हैं हमें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे इन प्रोफेशनल कोर्सेज में हमारे साथ जुड़ें स्टूडेंट, ताकि वो नौकरी मिल जाए तो वेरी गुड, लेकिन ऐसा होगा कि बहुत सौ को नौकरी नहीं भी मिलेगी, तब वो स्टेबली अपने प्रोफेशनल कोर्स के साथ बाहर आ जाएं और एग्रीकल्चर को प्रोफेशनलिज्म दे पाएं। तो ये हमारे 8 कोर्सेज हमने प्रोफेशनलिज्म के शुरू किए, मैंने दिखाऊंगा आपको, बड़ा सुंदर है ये प्रोग्राम। अच्छा, मजेदार बात ये है कि हम किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी पीडीआई बनाने वाले कंपोनेंट से एक भी पैसा नहीं लेंगे। दैट इज कंप्लीटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम फॉर एवरीवन, ताकि उस स्टूडेंट को यह बर्डन नहीं हो कि उसे पैसे देने हैं। मैं दिखा देता हूं ये 8 कोर्सेज क्या है। नंबर 1, अच्छा हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं जहां किसान को सारी चीजें एक जगह मिल जाए। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, 15 मिनट में इसीलिए छोड़ रहा हूं, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं चीजों को, ताकि आपको एकदम सारा विजुलाइज हो जाएगा। एक ऐसा स्थान में हम बनाना चाहते हैं जहां प्लांट डॉक्टर मिल जाए, जहां उसको दवाई भी मिल जाए, जहां उसको सारा इनपुट मिल जाए, फार्म का डिजाइनर मिल जाए, जहां उसको पौधे मिल जाए, जहां उसको टेस्टिंग एनालिसिस मिल जाए, जहां उसे ड्रोन ट्रैक्टर चाहिए वो मिल जाए, और जहां उसकी उपज को कलेक्ट किया जा सके। ऐसे सेंटर का नाम हमने पीडीआई रखा है, प्लांट डॉक्टर इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट 10 करोड़ रुपए कमाएगा। दिस इज टोटली ए इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट का संस्थान है पीडीआई, और ऐसे 10,000 पीडीआई हम बनाने की प्लानिंग रख रहे हैं इंडिया में। इंडिया में अलोन वी विल बिल्ड 10,000 पीडीआई। हमारे साथ कौन लोग हैं जिनके साथ ये मीटिंग चल रही है? वो इन्वेस्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग हैं जो ऑलरेडी नर्सरी उनके पास है,
ऑलरेडी वो बीज खाद की दुकानें उनके पास बड़ी हैं, हम कहते हैं आप इन फैसिलिटीज को और जोड़िए एंड यू बिल्ड द पीडीआई। तो हम एक सेंटर ऐसा बनाना चाहते हैं जहां किसान मोबाइल खोले, उसको पीडीआई दिख जाए, उसके आसपास के पीडीआई खोले, उसके बाद वो देखे कि डॉक्टर को मेरे घर विजिट कराने का मन है तो उसकी फीस उस पर आ जाए, स्लॉट आ जाए, वो बुक करे, डॉक्टर उसके घर आ जाए। ड्रोन चाहिए, ड्रोन बुक कर ले, पौधे चाहिए, पौधे बुक कर ले, और उसको वो फैसिलिटीज पीडीआई पे जाके भी मिल जाए और उसके यहाँ आके भी मिल जाए। इस तरह का सिस्टम, इकोसिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में। नेक्स्ट। अच्छा, ये प्रॉपर योजना है जो हमने लागू की थी राजस्थान गवर्नमेंट के 6000 सेंटर्स से। हमने क्या किया था, ये है वो एडवाइजरी स्लिप जिसकी अपन बात करें ना, प्रेस्क्रिप्शन, उसका ये बनाया गया था। नेक्स्ट। राजस्थान में 10 जोन हैं, तो हमने ये इसके अंदर प्रेसिजन लाने के लिए, प्रेसाइज हो जाए चीजें, आप ये समझिए कि हम एनिमल हस्बेंड्री में यदि काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को ऊंट क्यों पढ़ाएं, क्योंकि ऊंट तो उनके यहाँ बीमारी इलाज के लिए आएगा ही नहीं कभी भी। इसलिए हमने उसी जोन की फसलें और उसी जोन की प्रॉब्लम्स का एक मैनुअल सुपरवाइजर को बना के दिया ताकि वो ये ट्रीटमेंट स्लिप काट सके। तो हमारा कोशिश था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ। तो प्रॉप का एक कंपोनेंट ये भी होगा कि जो गवर्नमेंट हमसे जुड़ना चाहेंगी, जो सरकारें अपने यहाँ पर प्रॉप लागू करना चाहती हैं, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनके एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों, क्योंकि ये तो ट्रेंड लोग हैं, बीएससी एजी हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इनको उनसे जोड़ेंगे। नेक्स्ट। प्लांट डॉक्टर सर्विसेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर फंगस डायग्नोस करना, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान नहीं है, बहुत स्पेसिफिक चीज है, इसलिए मैंने ये आपको डिजीज दिखाई। नेक्स्ट। अच्छा, एक मिनट पीछे ले लो। जो 8 सर्विसेज थी उनमें पहली पीडीआई बनाना, दूसरी प्रॉप, तीसरी क्रॉप एडवाइजरी सर्विसेज, सॉरी प्लांट डॉक्टर सर्विसेज, चौथी क्रॉप एडवाइजरी सर्विसेज। हमें कोई फसल उगानी है, चाहे वो पॉलीहाउस के अंदर है, चाहे अनार उगा रहे हैं, चाहे कोई चीज उगा रहे हैं, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो लगवाने से लेके और उगाने तक की हर कंसल्टेंसी दे, और वो अब आगे मार्केट में इनकी डिमांड है क्रॉप एडवाइजर्स की। तो हम चाहते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हमारे इस कोर्स में जुड़े। अच्छा, हमारा रोड मैप एक ही है, हम जितने भी प्रोफेशनल एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको हम अपने यहाँ एनरोल करना चाहते हैं, और उनके सारे पीडीएफ में राइटिंग मटेरियल, लेक्चर सब हम उन्हें फ्री दे रहे हैं। नेक्स्ट। एक नया चैप्टर आपको लगा होगा, फॉर्म डिजाइनिंग। मैंने आपको एक टुकड़ा दिखाया जमीन का, दिखाया ना आपको, उबड़ खाबड़ से लगा होगा वो। नाउ ये दिस इज डिजाइंड, दिस इज डिजाइंड। डिजाइनिंग वर्चुअल होती है, जैसे अपन अपना मकान बनवाते हैं ना, तो डिजाइनर आर्किटेक्ट से कहते हैं डिजाइन करते हैं भाई बाथरूम किधर को होगा, रास्ता किधर को होगा। फार्म डिजाइनिंग पहली बार हमने वर्ल्ड में शुरू किया है, पहली बार इन द वर्ल्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक फार्म डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा वर्चुअल, सिर्फ हमारा सीपीडीएम सिखा रहा है। और देखिए मजेदार बात यह है, इसका कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है, इसलिए हम लैंडस्केप सॉफ्टवेयर का यूज फॉर्म डिजाइनिंग में कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं लैंडस्केप सॉफ्टवेयर वालों से कि भाई हम तुम्हारे सॉफ्टवेयर बिकवाएंगे, आप इसमें हमारे फॉर्म्स के कंपोनेंट भी ऐड कर दीजिए। तो नेक्स्ट। ये आपको नई बात लग रही होगी पर बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो हमें आम लगाना है, आम के पेड़ 10-10 मीटर पे लगते हैं, 10-10 मीटर पे लगते हैं, 10x10, एक हेक्टेयर में 100 पेड़ आते हैं, मगर वो 4 साल तक उस खेत को घेर लेते हैं, 5 साल तक तो कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए लोग ट्री प्लांटेशन, फ्रूट प्लांटेशन नहीं करते। अच्छा, एक और दिक्कत है, उन्हें कोई मैनेज भी नहीं कर पाता 5 साल तक इतना बढ़िया तरीके से, और वो इतने बड़े भी नहीं होते, 4 साल तक तो वो थोड़े छोटे ही रहते हैं। तो क्या ना, क्या हम उन्हें 1.5-1.5 मीटर, 2-2 मीटर पर लगाएं, मान लो 2-2 मीटर पर एक हेक्टेयर खेत में, तो कितने पौधे लगे, 2500, 2x2 मीटर, 50 लाइन यूं और 50 लाइन यूं, 2500 पौधों को हम 4 साल नर्सरी में ही पालें और उनका फुल फ्रूट लेने लायक कर दें। और अब हमारे पास इसे ट्रांसप्लांट करने की टेक्नोलॉजी है, उठाया और सीधा
यानी हम एक हेक्टेयर की नर्सरी से सीधे के सीधे 25 हेक्टेयर में मैंगो प्लांटेशन कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंडिया में अभी हमारे पास इसकी हमें। लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई आदमी जिस दिन मैंगो लगाएगा उसी साल से उसको मैंगो मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज प्लांटेशन ट्री नर्सरी टेक्नोलॉजी, इसको हम पढ़ा रहे हैं कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन में। मतलब हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रही है उससे इतर पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है। नेक्स्ट, अब आपको बताइए सर, आप तो शायद दूरदर्शन में हैं तो आपको इस ग्रोथ का पता ही होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आने वाला टाइम जब से ये रोड डेवलपमेंट हुए हैं फार्म बिजनेस का है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पैकिंग इंडस्ट्री। आपने देखा होगा ना सर, पंसारी की दुकान पे बोरियां रखी रहती थी, बोरियां रखी रहती थी, उसमें से कहते थे दो किलो ये दे दो, एक किलो मूंग दे दो, एक किलो चीनी दे दो। वो दुकानें अब खत्म हो रही हैं, पैकिंग मटेरियल्स की दुकानें शुरू हो रही हैं। तो इतना भारी पैकिंग, अभी तो 4% 5% पर पैकिंग हो रहा है, 95% पैकिंग की इंडस्ट्री अब डेवलप होंगी। तो हम चाहते हैं कि वो बड़े सेठ ना ले लें, हमारे किसान भी उनको कर सकते हैं। छोटा सा इन्वेस्टमेंट हमने सिरोही में दो किसानों को शुरू कराया, सर ने है नहीं शायद आपने है नहीं अभी बाहर चले गए, कवर भी किया होगा। तो हम फार्म बिजनेस सिखाएंगे किनको, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को एंड प्रोफेशनल्स को, ताकि वो बात किसानों तक जा सके। नेक्स्ट, रिसर्च एंड बिजनेस फोरम, यानी हम और बिजनेस करने वाले लोग, एग्रीकल्चर बिजनेस और रिसर्च के लोग एक जगह आए, ये प्लेटफॉर्म हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इस थॉट को हम लेकर के आए हैं और इसकी पूरी रोड मैप मैं आपको एक मिनट के अंदर ब्रीफ करूंगा कि हम सिस्टम में डॉक्टर ला कैसे सकते हैं, सिस्टम में डॉक्टर आएगा कैसे। सिंपल है बहुत, हमने एक पोर्टल जनरेट किया है, उसका नाम है कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन। आप गूगल पर सर्च करेंगे कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन, पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल पर आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको साइन अप करना पड़ेगा, कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन आप नोट कर लें। गूगल पर सिंपल सर्च करें कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन, पोर्टल मिल जाएगा। और इस पोर्टल पर ही हम सारा ऑपरेशन कर रहे हैं ग्लोबली, पूरा का पूरा। यानी कोई स्टूडेंट एनरोल होना चाहता है हमारे सिस्टम पर, इसी सिस्टम पर एनरोल हो सकता है। अभी तक हमारे 6 कंट्रीज से स्टूडेंट इस सिस्टम पर एनरोल हुए हैं, नाइजीरिया से, साउथ अफ्रीका से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इथोपिया से। हम वो स्टूडेंट यहाँ से आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी यहाँ से एनरोल हो रहे हैं धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ 8 से 10 लाख स्टूडेंट ग्लोब का, वर्ल्ड का, हमारे इस पोर्टल पर आए, ताकि आने वाले 10 साल में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया जा सके। और हम प्रोफेसर्स को जोड़ रहे हैं, 3 लोग इस पर एनरोल हो सकते हैं, एकेडमिशियन यानी प्रोफेसर हैं तो, प्रोफेशनल यानी कोई एग्रीकल्चर में कुछ भी कर रहे हैं वो सब प्रोफेशनल हैं, और स्टूडेंट। लेकिन उनके जो आईडी कार्ड हमारा ये पोर्टल जनरेट करेगा वो 3 अलग अलग कलर्स में करेगा, ताकि यदि हम यहाँ गैदरिंग कर रहे हैं या कहीं हम प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन का, तो उनसे पता लग जाए कि ये स्टूडेंट हैं और ये प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेशनल हैं। नेक्स्ट, यदि आप कोई भी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो लॉगिन मांगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ करके हमारा मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहे। नेक्स्ट, ये वो लेक्चर्स हैं जो पीडीएफ में और आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हम पोस्टर्स भी बना रहे हैं जो डिस्प्ले पोस्टर्स हैं, वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस में लगाए जा सकते हैं, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये एकेडमिक मटेरियल्स हैं, रीडिंग मटेरियल्स हैं जो डाउनलोड कर सकता है बच्चा जिस समय वो कोर्स पढ़ रहा है। नेक्स्ट, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल है और वो स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इवन मैंने मुझे अच्छा लगेगा कि शायद प्रोफेसर भी इसको डाउनलोड करके और स्टूडेंट्स को पढ़ाने में काम ले सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अच्छा अब आप पूछेंगे कि शायद आप पूछते, मैं अपने आप ही बता देता हूँ।
ऑर्गेनाइजेशन इनकम कहाँ से लाएगा? यस 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 यस, जब सबको फ्री दे रहा है तो फिर लाएगा कहाँ से? ऑर्गेनाइजेशन को अभी बहुत छोटा सा स्पेस, बहुत छोटा सा खर्चा चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमसे 300 प्रोफेसर जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, वो हमसे कुछ नहीं ले रहे हैं टेक्निकल मटेरियल्स के बनाने का और सब कामों का। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोस्टें हैं और जो आएंगी, जो हमारे सीए साहब हैं, जो सीए साहब हैं, मैं एक मिनट मिलवा देता हूँ प्लीज़, नितेश बहुत यंग सीए हैं ऑर्गेनाइजेशन। हमारा आईटी सेक्टर है, हमारे दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज, हमारा खर्चा है और उस वेन्यू का किराया, बाकी सारा नेट पर है और हमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो हम अभी तक नहीं है, लेकिन आगे वाले होगा आने वाले टाइम में। तो हमारी जो पब्लिकेशंस हैं, जो वो यूज़ करेंगे बच्चे, अब हमने पढ़ा दिया और हमने उनको चैप्टर भी दे दिए, लेकिन कोई बच्चा कलर्ड चैप्टर प्रिंट करा के रोज लाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता। जब वो रियल में, अभी तो पढ़ लेगा, लेकिन जब रियल में प्रैक्टिस करने चलेगा प्लांट डॉक्टर की, तो उसे हमारा मैनुअल चाहिएगा। तो हम जो मैनुअल, नेक्स्ट दिखा दीजिए, कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मैन, ये तो हम जो पब्लिकेशन कर रहे हैं वो प्राइज्ड हैं, और यू बिलीव वो बड़ी नॉमिनल प्राइजेस पर हैं। ये हमारी इनकम का एकमात्र स्रोत अभी होगा, लेकिन मुझे अश्योर किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे कि यदि हमारे साथ 25 से ज़्यादा कंट्री जुड़ गए, और यदि हमारे 1,00,000 से ऊपर स्टूडेंट हो गए, तो हम इंटरनेशनल फोरम पर यूनाइटेड नेशंस, कॉमनवेल्थ, आईफा, इनको अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे। एंड वी वांट कि वो हमें इंस्टीट्यूट पूरे बनाने का पैसा दे दें। हमें 100 करोड़ रुपया लगेगा इंस्टीट्यूट बनाने में, 100 करोड़, 20 बीघा जमीन लगेगी। लेकिन मैं इसका दावा नहीं कर रहा, हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल से कोई फंडिंग होगी, गवर्नमेंट से कोई फंडिंग होगी, तब हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे। हमारे खर्चे हम निकालेंगे सिर्फ किताबों की बिक्री से। अच्छा, अभी ये प्रिंट में आई नहीं है, अभी इन पर सारे ऑथर्स काम कर रहे हैं, और ये थोड़े थोड़े धीरे धीरे एक एक करके प्रिंटिंग में आ जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ स्टूडेंट को प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर वन, उसका पीडीएफ हम तुरंत की तुरंत रिलीज कर रहे हैं उसके साथ। सर मतलब मैं समझा नहीं, आप लोग सर सिंपल, आप प्रोफेशनल करके उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करिए और डाउनलोड कर लीजिए। आप बताइए दूरदर्शन में, आई एम प्रोफेशनल, सो वी आर परमिटिंग टू एवरीवन, एवरीवन। नहीं सर, प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, माय पर्पस इज नॉट टू पॉपुलराइज माय बुक्स। आई थिंक द नीड, जो बच्चा नीड में हो, जो पीडीआई को नर्सरी चलाना है, पीडीआई को नर्सरी चलाने के लिए उस मैनुअल की जरूरत है, देन ओनली वो खरीदे। मेरा अपना सोचना है। नेक्स्ट, मैंने कुछ, हम 35 टाइटल्स छाप रहे हैं, और हम इस ऑर्गेनाइजेशन के, हमारा काम ही पढ़ाना और टीचिंग मटेरियल देना है। अच्छा, एक चीज़ हम और बता देते हैं, उसके बाद मैं एक 10 मिनट आपसे और लूँगा सर, आपके भोजन के टाइम से। मैं एक फिल्म जरा सी दिखाता हूँ उसको, जिस तरह हम जूट वर्ड से जुड़े हैं, पर लास्ट बात सुनिए। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सर्टिफिकेशन कोर्स चाहती हैं इन्हीं विषयों पर, क्योंकि गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि भाई आप प्रोफेशनलिज्म सिखाओ, ताकि बच्चों को नौकरी ना मिले तो अपने आप अपना काम कर सके। तो मेरी अभी बात हो रही थी डायरेक्टर एक्सटेंशन से, हम एक मॉड्यूल एक नया ला रहे हैं इसके अंदर, हम MOU करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ, हम यूनिवर्सिटी से कोई पैसा नहीं लेंगे, जीरो पैसे पे। यूनिवर्सिटी अपने बच्चों का ऑनरी मतलब ऑनर्स कोर्स चलाए, भले ही वो एनरोल करे, फीस भी यूनिवर्सिटी ले, एग्ज़ाम भी यूनिवर्सिटी दे, और हमारी शर्त यह है कि MOU में जब वो उसको सर्टिफिकेट जारी करे, तो हमारा लोगो और यूनिवर्सिटी का लोगो साथ साथ हो, और ये बताया जाए कि कोर्स इज फैसिलिटेटेड बाय कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन, यस इन कॉलेबोरेशन विद। और हम उसके बदले में क्या देंगे, हम सिलेबस देंगे, रीडिंग मटेरियल देंगे, प्रोफेसर्स को पढ़ाने के बने बनाए वो देंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और स्टूडेंट्स के हम जो लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स के वहाँ जो डिलीवर हो रहे हैं,
उन सारे लेक्चर्स का कंपाइल्ड, अभी तो अलग अलग है, कंपाइल्ड भी हम उसको उपलब्ध कराएंगे। तो हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अराउंड द ग्लोब इस प्रोग्राम से जोड़ना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट देंगे सर, तो हम मैं दिखा दूं, एक फिल्म 10 मिनट की है सर, Consultant Plant Doctor Mission, CPDM, is a global mission in field of agriculture. CPDM is a free-for-all global educational program designed for students and professionals of agriculture and allied sciences. The prime objective of the mission is to transform advisory mechanism of agriculture. So to deliver easily approachable professional advisory services to the farmers. Mission components. The CPDM will run on 8 prime components. Component 1, Plant Doctor Institutes, PDIs. The Plant Doctor Institutes, PDIs, will be the service and input delivery centers for farmers. A PDI will consist of custom hiring center, input delivery center for seed, fertilizer and pesticide, farm produce collection and storage center, plant nursery to deliver quality plants to the farmers. Farm business and facilitation center to help farmers in farm business. Diagnostic lab for analysis. Plant doctors for advisory services. Mini bank for financial transactions. Farm designer for farm designing and development, and meeting hall for confidence building. The PDI will not only be a self-sustained advisory center, but that will be a highly profitable business hub. The CPDM suggests at least one PDI at every 10,000 farming households. This way, India needs more than 10,000 PDIs to transform Indian agriculture. The CPDM will facilitate the establishment of PDIs around the globe through awareness campaigns regarding importance and need of PDIs in agri system and tutorials on structural and operational aspects of PDIs. Component 2, Plant Doctor Services. Farmers usually suffer from huge crop losses. And even complete failure. One crop failure dumps the farmer in debt for many years. In fear of crop failure or in desperation to save crop, the farmers usually spray pesticides indiscriminately. And in most of cases, without any diagnosis or expert advice.
This human blunder on earth is causing severe damages to environment and human health. The simplest solution is plant doctor, similar to human doctor. We need technically educated and professionally trained agriculture experts to serve as plant doctors. The CPTM will run its biggest component program on professional plant doctor services in agriculture system. Accurate diagnosis is the first requirement for plant doctor services. The CPTM will improve the diagnostic skills of students and professionals so they may become better plant doctors. The CPTM will connect over 1,000 agriculture universities and 2,000 research establishments around the globe. The CPTM will facilitate students and professionals through free tutorials on diagnosis of crop problems, free diagnostic photographs and posters, and free HNA book chapters in PDF, all via CPTM portal. Component 3, Production with Protection Project, PROP Project. PROP is a public sector project designed to provide plant doctor services through public sector. PROP is a farmers welfare project of Rajasthan government. PROP provides methodology to utilize top diagnostic expertise at village level. With more than 4,000 advisory centers in Rajasthan state, PROP is serving farmers with plant doctor services. As PROP utilizes the services of already working extension functionaries, the project expenditure is negligible. PROP may be executed by any government in any part of the world to serve farmers with plant doctor services. The CPTM will facilitate the implementation of PROP project in public sector through helping governments in planning and execution of PROP project and tutorials on operational aspects of PROP. Component 4, Crop Advisory Services. Technology-based support to the farmers is must for assured quality production. Crop-specific consultant crop advisors are in huge demand. The CPTM will facilitate crop-specific support to students and professionals to become consultant crop advisors through free tutorials on crop production technologies and free chapters of HNA books in PDF. Component 5, Farm Designing and Development. Millions of agriculture farms will be designed and developed in new era of agriculture technology. Highly skilled professionals equipped with knowledge of farm resources and farm technologies will perform in this field. Software designing of farms is now becoming a wealthy profession for agriculture students.
Form designing and development section will also available on every PDI. The CPTM will facilitate agriculture students and professionals to become farm designer through free tutorials on designing and development and free chapters of HNE books in PDF. Component 6. Plantation Tree Nurseries. Tree establishment needs lot of nursing and years of time. Initial years of growth is very slow and mortality is very high. To overcome these problems, the tree plants are grown in tree nurseries for initial 3-4 years, and then young trees are planted in actual fields. Tree plantation nursery technology is a promising technology ready to serve nature. The technology may revolutionize the tree plantation on earth. The CPTM will strongly support plantation tree nursery technology through technology awareness campaigns, free tutorials based on research findings, and success stories. Component 7. Farm Business. Farm business or business at farm is one of the leading sectors of economic transformation in villages. Road connectivity, land availability, and huge number of educated youth in villages are now engraving a new graphic of farm business. Every PDI will have facilitation center to help youth to establish farm business in villages. CPTM has identified 40 various categories of farm business. The CPTM will facilitate students and professionals in skills of farm business through free tutorials, success stories, and free HNE book chapters. Component 8. Agriculture Research and Business Forum, ARBF. CPTM is creating a common platform named Agriculture Research and Business Forum, ARBF, for close coordination between two. Excellent innovations in agri-research and unique piece of products in agribusiness will be highlighted on ARBF platform. The CPTM will facilitate coordination between research and business through research presentations and business reviews, subject-specific symposiums, interviews with scientists and business personalities, and regular ARBF bulletins. Consultant Plant Doctor Mission is a human welfare mission.